क्या आपको पता है एक बड़ी कंपनी के सीईओ का एवरेज कार्यकाल कितना होता है? इंद्रा नुई पेप्सिको की सीईओ पूरे 12 सालों तक रही, जो कि एक सीईओ के एवरेज कार्यकाल से 7 साल ज्यादा था। इंद्रा नुई 2006 से 2018 तक पेप्सिको की सीईओ रही, वहीं एमेजॉन के बोर्ड्स और आईसीसी की पहली वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बनी। इंद्रा नुई को 2007 में पद्म भूषण द्वारा सम्मानित किया गया भारत सरकार द्वारा। 2017 में फोर्ब्स द्वारा जारी की गई मोस्ट पावरफुल वुमेन इन बिजनेस की सूची में उन्हें फोर्ब्स ने दूसरी सबसे पावरफुल महिला माना। 2018 में इंद्रा नुई को वन ऑफ द बेस्ट सीईओज इन द वर्ल्ड बाय सीईओ वर्ल्ड मैगजीन द्वारा सम्मानित भी किया गया। आश्चर्य नहीं है कि इंद्रा नुई आज एक दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक है। मैं अपने करियर में अपने डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन के साथ सफलता की सीढ़ी चढ़ने में सफल रही इंद्रा नुई आज हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा बन चुकी हैं। आज हम देखेंगे कैसे इंद्रा नुई के एक साउथ इंडियन के मिडिल क्लास फैमिली से पेप्सिको के सीईओ बनने तक का सफर। पेप्सिको एक वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड एंड बेवरेज कंपनी में आती है। कैसे इंद्रा नुई ने अपने कार्यकाल में पेप्सिको के रेवेन्यू को डबल कर दिया। इंद्रा नुई का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को मद्रास में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग होली एंजल्स एंजलो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल से करी। फिर उन्होंने 1974 में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, जिसकी मान्यता आईआईटी के बराबर मानी जाती थी। इंदिरा कहती हैं कि वो अपने कॉलेज के दौरान अपने सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं थी, पर अपने कॉलेज में हर तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे सिंगिंग, गिटार प्लेइंग और क्रिकेट में पार्टिसिपेट किया करती थी। उन्होंने 1976 में IIM कलकत्ता से MBA करी। फिर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ प्रोडक्ट मैनेजर जॉनसन एंड जॉनसन और मेटर बियर्ड सेल कंपनी से करी। इसके बाद उन्होंने अमेरिका जाकर पढ़ाई करने का सोचा और उन्होंने येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में अप्लाई किया, और उनके इस डिसीजन को घर वालों से परमिशन नहीं मिल रही थी क्योंकि उस समय उनकी उम्र 23 हो चुकी थी और इस उम्र में सभी लड़कियों की शादी हुआ करती थी। पर फिर भी उन्होंने अपने पेरेंट्स को मना लिया और उनका ये बोल्ड डिसीजन बहुत ही सफल साबित हुआ। येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में उनका सिलेक्शन भी हो गया और यहीं से उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिला अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। अपने रूटीन के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए उन्हें पढ़ाई के साथ जॉब करनी पड़ी। उनके हालात इतने खराब थे कि वो यूनिवर्सिटी में ही रिसेप्शनिस्ट की जॉब करती रात को 10 से सुबह 5 बजे तक। इसके बाद उन्होंने 1980 में येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से पब्लिक एंड प्राइवेट मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री हासिल करी। फिर अगले 6 सालों तक इंद्रा नुई ने एज अ कंसल्टेंट बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में काम किया। इसके बाद उन्होंने मोटोरोला में एज अ वाइस प्रेसिडेंट और स्ट्रेटजी प्लानर के तौर पर काम किया। आइए अब देखते हैं इंद्रा नुई पेप्सिको कंपनी से कैसे जुड़ी। इंद्रा नुई ने 1994 में पेप्सिको कंपनी ज्वाइन करी। 2001 में वो कंपनी की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनी और 2006 में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ। इन्होंने 10 सालों से ज़्यादा तक कंपनी की ग्लोबल स्ट्रैटेजी को डायरेक्ट किया। ट्रॉपिकाना, जो कि दुनिया की बहुत पॉपुलर कंपनी थी, उसे 1998 में इंद्रा नुई की डायरेक्शन से ही एक्वायर कर लिया गया था। इसके बाद इनकी डायरेक्शन से ही क्वेकर ओट्स और गेटोरेट जैसी कंपनी को एक्वायर कर लिया गया था। 2006 में इंद्रा नुई पेप्सिको की 5th सीईओ बनी और इस समय उनकी ये 44 साल थी। ये बात भारत के लिए बहुत गर्व की बात थी। इंद्रा नुई पहली महिला थी जो कि पेप्सिको की सीईओ बनी। उनकी लीडरशिप के दौरान पेप्सिको का रेवेन्यू 2006 में $35 बिलियन से बढ़कर 2017 में $63.5 बिलियन तक बढ़ गया। आइए अब हम देखते हैं इंद्रा नुई से जुड़े कुछ लाइफ चेंजिंग लेसंस। फर्स्ट, बी ए लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। आप जितना भी जानते हैं उससे सेटिस्फाइड मत रहिए। बी विलिंग टू नो मोर। अपने अंदर के जिज्ञासा को मरने मत दीजिए। आप जितना जान सकते हैं उतना जानने की कोशिश कीजिए। सेकेंड लेसन, आप जो भी करें उसमें अपने आप को पूरा झोंक दीजिए। थ्रू योर हार्ट हैंड हेड इन टू इट। आप परेशानी और कठिनाइयों की चिंता मत कीजिए। डोंट थिंक अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स, लेट्स गो एंड कीप डूइंग इट। आप अपने साथ के लोगों की आगे बढ़ने में मदद कीजिए। रिमेम्बर, ग्रेटनेस कम्स नॉट फ्रॉम द पोजिशन बट फ्रॉम हेल्पिंग बिल्ड द फ्यूचर। फोर्थ लेसन, बी बोल्ड। रिमेम्बर, जब इंद्रा नुई अमेरिका जाना चाहती थी अपनी आगे पढ़ाई करने के लिए, तब उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, बट फिर भी उन्होंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया और वो अमेरिका जाने में सफल हुई, जो कि उस टाइम
एक बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन था, इसीलिए आप भी अपनी लाइफ में बोल्ड डिसीजन लीजिए। फिफ्थ लेसन, डोंट थिंक अबाउट दी इमीडिएट रिजल्ट्स, थिंक लॉन्ग टर्म। आप अपने इमीडिएट रिजल्ट्स के बारे में मत सोचिए कि अगर मैं अभी ये कर रहा हूं तो मुझे सक्सेस इमीडिएट मिल जाएगी, देखिए नहीं, आप लॉन्ग टर्म सोचिए। सिक्स्थ लेसन, वर्क विद पर्पस। आप जो भी काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में एक पर्पस के साथ कीजिए। सपोज आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप वो एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हैं, आपका पर्पस क्या है उस काम के लिए। सेवेंथ लेसन, बी विलिंग टू मेक सेक्रीफाइसेस। आपने भी एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी मूवी देखी होगी, उसमें एम एस धोनी ने कैसे अपनी टीसी की एक गवर्नमेंट जॉब को सेक्रीफाइस करके अपने क्रिकेट के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। तो आप भी अपने पैशन के लिए कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी रहिए। अगर आपको इंदिरा नूयी की ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।